बलिया के नरही थाना क्षेत्र के पिपराकला गांव में किराना दुकान पर बैठे युवक पर मनचलों ने कैंची से हमला कर दिया। सूचने पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने परिजनों की शिकायत के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मैं उनका छोटा भाई हूं। मेरा नाम नागेंद्र है। नागेंद्र, आज एक दुर्घटना हुई आपके परिवार में, क्या मामला था और क्यों हुई घटना? सर देखिए, उस घटना का मतलब कोई मतलब नहीं था, ठीक है। लोग धमकी भी दे रहे थे कि तुमको जान से मारेंगे। में जो आरोपित लोग हैं आप ही के गांव के रहने वाले हैं? हाँ, वो कान भाग बिहार के, वो मर्डर का उधर आया था, फिर यहाँ रह रहा था, यहाँ भी मर्डर कर दिया वो, ठीक है सर। इसके पहले भी आप लोगों के बीच कोई विवाद? कोई सर विवाद नहीं, विवाद था सर। आज शाम क्या हुआ? अरे सर, मतलब हम लोग साथ यही हुआ ना कि हम लोग कोई नहीं था भाई, मेरे भाई खेत में पानी चलाया और वो पानी चलाया, खाना खाया, दुकान पे गया, लोग सिलाई करके आया था, उसके अंदर कैंची लेकर पेट में भोग करते हैं चार। नहीं तो निकल गए। कितने लोग थे मारने वाले? वो लोग दो तीन तेरह लोग, हम लोग देखे नहीं सर। ये फाइनल आप लोगों ने तहरीर में कितने लोगों का नाम दिया है? सर हम जिसमें मतलब घटना था उसको नाम लिख दिए हैं, उस पर लिख दिए हैं जी सर। इसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है? दो लोग गिरफ्तारी हुई है, वो तो सामने गए थे। दो लोग गिरफ्तारी हुए है। देखिए, थाना नरही क्षेत्र के अंतर्गत पिपरा खुर्द गांव में आज सूचना मिली थी कि दो पड़ोसियों में आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पड़ोसी के द्वारा दूसरे पड़ोसी पे कैंची से वार किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही तत्काल 112 PRB के माध्यम से घायल को अस्पताल लेकर जाया गया और वहाँ पर इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार के द्वारा तीन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है, जिनमें से दो लोगों को